आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आपने हाथ सैनिटाइज किए? जी हाँ, इस तरीके से अगर आपको किसी से क्वेश्चंस पूछने पड़े, यानी ऐसे सवाल किसी से करने पड़े, तो आप हिंदी में काफ़ी इजीली उनसे क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज हो आप उनसे इजीली पूछ लेंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, जैसे अगर कोई फॉरेनर आ जाए आपके सामने जिसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है और कुछ नहीं, और आप जानते हैं अभी कोरोना है, सबको मास्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है, वो बंदा आपके सामने बिना मास्क लगाए आता है, आपको उसको बोलना हो कि तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो आप बोलेंगे Why haven't you put on your mask? Why haven't you put on your mask? जी हाँ, इस तरीके से आप उसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे। इसी टाइप के 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस करता है तो उसका जवाब आप इंग्लिश में कैसे देंगे, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके 100 से ज़्यादा आंसर्स मैंने कवर किए हैं। सो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो चलिए देखते हैं कौन से वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके 100 से ज्यादा आंसर्स। जी हाँ, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और सामने मेरा नाम भी है, आप मेरा नाम सर्च कर कर भी मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने आता है वो होता है हाय हाउ आर यू। हाय हाउ आर यू यानी हाय तुम कैसे हो, तो इसका हम जवाब देते हैं आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। फिर अगर आपके सामने कोई बिना मास्क के आता है, जैसा कि अभी आप जानते हैं कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो आपके सामने कोई बिना मास्क पहने आता है तो आप बोलते हैं उसे व्हाई हैवंट यू पुट ऑन द मास्क, व्हाई हैवंट यू पुट ऑन द मास्क, तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो वो ये जवाब दे सकता है सॉरी आई फॉरगॉट इट एट होम, सॉरी आई फॉरगॉट इट एट होम, माफ़ करना मैं उसे घर में ही भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। इन मुंबई आप सिंपली बोल सकते हैं इन मुंबई, जिसका मतलब है मुंबई में या फिर मैं मुंबई में रहता हूँ। फिर अगर आपसे कोई पूछता है मुंबई में कहाँ, वेयर इन मुंबई, वेयर इन मुंबई, तो आप बोल सकते हैं नियर द एयरपोर्ट, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप बता सकते हैं नियर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास। विच वन इज योर फेवरेट टीम, विच वन इज योर फेवरेट टीम, आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है, CSK एंड योर्स, यहाँ पर एंड योर्स इसलिए क्योंकि जब भी आप अपनी टीम बताएंगे तो ऑब्वियसली आप सामने वाले की फेवरेट टीम भी पूछेंगे, तो CSK एंड योर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, और तुम्हारी और आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू हैव टी और कॉफी, विल यू हैव टी और कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी, टी विल बी फाइन, टी विल बी फाइन, चाय ठीक रहेगी। नेक्स्ट है वॉट टू डू नाउ, What to do now? यानी अब क्या करें, अभी चाय वगैरह हो गई अब क्या करें, Let's watch IPL, चलो IPL देखते हैं। I am going to Delhi tomorrow, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। What for का मतलब है किस लिए, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो दिल्ली। How is everything, कैसा है सब कुछ, या सब कुछ कैसा है, क्या हालचाल है। Very well यानी बहुत अच्छा। Is this today's paper? क्या ये आज का पेपर है या फिर क्या ये आज का अखबार है। No, it is yesterday's. नहीं, ये कल का पेपर है। I am leaving and I will not come here again. मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। But why? लेकिन क्यों, पर क्यों, क्यों जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सर What were you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। Oh, nothing special, just this and that. यानी कुछ खास नहीं, बस ऐसे इधर उधर की के लिए हम just this and that का यूज करते हैं। नेक्स्ट है How much do these shoes cost? इन जूतों की कीमत क्या है या फिर ये जूते कितने के हैं। It costs 550, ये 550 के हैं या फिर इनकी कीमत 550 है। May I use your pen? क्या मैं तुम्हारी पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। By no means, जब आपको बिल्कुल मना करना हो तो आप बोलेंगे by no means, बिल्कुल नहीं, या फिर आप इसको not by any means भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको हाँ बोलना हो तो आप बोलेंगे by all means, बिल्कुल बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं by all means। How tall are you?
हाउ टॉल आर यू, जिसका मतलब है तुम्हारी लंबाई कितनी है, तुम्हारी हाइट कितनी है। आई एम 6 feet tall, आई एम 6 feet tall, मैं 6 foot का हूँ, या फिर मेरी हाइट 6 foot है, सिंपली 6 foot है। Whose book is this? Whose book is this? यह किसकी किताब है, या ये किताब किसकी है? It is mine. It's mine. ये मेरी है। How many people were there at the meeting? How many people were there at the meeting? Meeting में कितने लोग थे? About 100. लगभग 100 या फिर 100 के आसपास, 100 के आसपास लोग थे मीटिंग में। How old are you? या फिर What's your age? How old are you? तुम्हारी उम्र कितनी है? I am 15. मैं 15 साल का हूँ, या फिर I am 15 years old. I am 15. आप सिंपली अपना एज का नंबर बता देंगे, I am 21, I am 20, तो वो भी चलता है। Do you want to go out with them? Do you want to go out with them? क्या तुम उनके साथ बाहर जाना चाहते हो? No, I am not in the mood. No, I am not in the mood. नहीं, मेरा मूड नहीं है। Next question. Are you sure he will help us? Are you sure he will help us? क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा, या फिर क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद करेगा? Absolutely sure. Absolutely sure का मतलब है हाँ, मुझे पूरा यकीन है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा। Do you think this plan will fail? Do you think this plan will fail? क्या तुम्हें लगता है कि ये योजना असफल होगी, या फिर ये प्लान फेल हो जाएगा? It is very much possible. It's very much possible. बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये प्लान फेल हो जाएगा। Next है, you are standing on my foot. You are standing on my foot. तुम मेरे पैर पे खड़े हो। Sorry, I didn't realize. माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, या मेरा ध्यान नहीं था। Are you sure he will help us? Are you sure he will help us? Same question है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा? Yes, I am certain. Yes, I am certain. जब आपको पूरा यकीन हो तो आप I am certain sentence का use करते हैं। Yes, I am certain. मुझे पूरा यकीन है। Is there any medical store near here? Is there any medical store near here? जिसका मतलब है क्या यहाँ आसपास कोई दवा की दुकान है, कोई medical store है? Let me see. मैं देखता हूँ, मुझे देखने दो, मैं बता रहा हूँ देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन दीज डेज? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन दीज डेज? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल, या फिर आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सो सो का मतलब है ठीक ठाक, या फिर कुछ खास नहीं, एवरेज, सो सो। Didn't I tell you about this? इसका मतलब है मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं था। यहाँ पर पूछ रहा है वो, क्या मैंने तुमको इसके बारे में बताया नहीं था? तो इसका आप जवाब देख सकते हैं, I don't remember, यानी मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट है, When do you want your car repaired? तुम्हें अपनी कार कब सही चाहिए? The sooner the better, यानी जितना जल्दी हो उतना अच्छा। The sooner the better, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। I am going to leave this job, मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। How come, या फिर how so, यानी ऐसे कैसे, या किस लिए, क्यों छोड़ना चाहते हो? How come, या फिर how so? Next question है, Shall we go for a walk now? क्या हम घूमने के लिए जाएं, या फिर क्या हम वॉक करने चलें? तो आप बोल सकते हैं as you wish का मतलब है जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, as you wish. I love these biscuits. मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है। Me too का मतलब मुझे भी बहुत पसंद है। I have decided not to go there again. मैंने वहाँ फिर से नहीं जाने का तय किया, यानी मैंने तय किया है कि मैं वहाँ फिर से नहीं जाऊँगा। Same here, यानी मैंने भी यही तय किया। Same here. Next है, Shall we eat out tonight? यानी क्या हम आज बाहर खाएं? जब बाहर खाने के लिए हम बोलते हैं तब हम ईट आउट का यूज़ करते हैं। शैल वी ईट आउट टू नाइट, काफ़ी अच्छा साउंड होता है ये बोलने में। यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलते हैं बाहर खाने। Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? का मतलब है कहीं भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। Where are you going? इसका हम एक और रिप्लाई कर सकते हैं, none of your business, जो कि थोड़ा सा रूड है। कोई ऐसा इंसान जिससे आपका कोई मतलब नहीं हो, वो आपसे पूछता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, none of your business, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। Where are you going? None of your business, थोड़ा सा रूड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसके सामने आप यूज़ कर रहे हैं। So we will meet at 7, shall we? इसका मतलब है तो हम 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। Shall we मतलब ठीक है, ओके, अग्रीड, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। नेक्स्ट है, इज ही कमिंग अलोन?
इज ही कमिंग अलोन, क्या वो अकेला आ रहा है? आई थिंक सो, मुझे लगता है, या फिर हाँ शायद वो अकेला आ रहा है, आई थिंक सो। आर यू फीलिंग टायर्ड? आर यू फीलिंग टायर्ड, क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, यानी बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, ऐसा दिखाई देता है कि इंग्लैंड जीतने वाली है। ऐसा दिखाई देता है कि इंग्लैंड जीतने वाली है। इट लुक्स लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन। इट लुक्स लाइक इंग्लैंड इज गोइंग टू विन। हु केयर्स, हु केयर्स, यानी किसे फर्क पड़ता है, मुझे क्या क्या फर्क पड़ता है, इंग्लैंड जीत रही है हार रही है, मेरा क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है, कुड यू लैंड मी रुपीज 100? कुड यू लैंड मी रुपीज 100? LEND, लैंड मतलब उधार मांगना है, उधार को हम लैंड कहते हैं। क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? कुड यू लैंड मी रुपीज 100? सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब है हाँ जरूर, सर्टेनली बिल्कुल मैं आपको 100 रुपये उधार दे सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक फ्राइड फूड? डू यू लाइक फ्राइड फूड, क्या तुम्हें तली हुई चीज़ें पसंद है? यस वेरी मच, यस वेरी मच, यस आई लव इट, दोनों हम बोल सकते हैं हाँ बहुत, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। हाउ इज योर हेडेक? हाउ इज योर हेडेक, तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? ओ इट कम्स एंड गोज, ओ इट कम्स एंड गोज, यानी आता जाता रहता है, कम्स एंड गोज, आता जाता रहता है। नेक्स्ट है, कुड यू ट्रांसलेट दिस लेटर बाय 4 o'clock प्लीज? कुड यू ट्रांसलेट दिस लेटर बाय 4 o'clock प्लीज, क्या 4 बजे तक आप इस खत का अनुवाद कर सकेंगे? तो आप बोल सकते हैं कंसिडर इट डन, कंसिडर इट डन, यानी समझो हो गया, या फिर हो गया समझिए, कंसिडर इट डन, ऐसा कंसिडर कीजिए कि वो हो गया है। नेक्स्ट है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? आई डोंट नो, आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू आस्किंग दिस? Why are you asking this? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? Oh, just मतलब ऐसे ही, यूं ही, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। Oh, just ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे ही, यूं ही। From today, I'll cook and you will do the dishes. From today, I'll cook and you will do the dishes. यानी आज से मैं खाना बनाऊंगा और तुम बर्तन साफ करोगे। Done, ठीक है, तय हुआ। Are you going to shopping this evening? Are you going to shopping this evening? क्या तुम आज शाम को शॉपिंग करने जा रहे हो? तो आप बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन द रेन, इट डिपेंड्स ऑन द रेन, सब बारिश पर निर्भर करता है, अगर बारिश पड़ेगी तो मैं शॉपिंग पर नहीं जा पाऊंगा, नहीं पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन द रेन। हु ब्रोक द मिरर? हु ब्रोक द मिरर, आईने को किसने तोड़ा? आई डिडंट, आई डिडंट, यानी मैंने नहीं तोड़ा। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, अपना पेन दो मुझे, या फिर मुझे अपना पेन दो। Here it is, जब आप उसे देंगे तो आप बोलेंगे ये लो, here it is। Next है, give that book to me, give that book to me, मुझे वो किताब दो। No, I'll not, no, I will not, यानी नहीं, मैं नहीं दूंगा, या फिर आप बोल सकते हैं no, I want का भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। Next है, did you pass, did you pass, क्या तुम पास हो गए? No, I failed, no, I failed, नहीं मैं फेल हो गया। Is he satisfied with his job? Is he satisfied with his job? क्या वो अपनी नौकरी से संतुष्ट है? क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है? It seems so. It seems so. यानी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इज ही सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, क्या वो अपनी नौकरी से संतुष्ट है? तो इसका जवाब आप ऐसा भी दे सकते हैं, इट doesn't seem so. इट doesn't seem so, यानी ऐसा नहीं लगता। इट seems so, यानी ऐसा लगता है, और इट doesn't seem so, यानी ऐसा नहीं लगता, doesn't लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड इट हर्ट? डिड इट हर्ट, दर्द हुआ क्या, या फिर क्या इससे दर्द हुआ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है, राहुल कम ओवर हियर दिस मिनट, राहुल कम ओवर हियर दिस मिनट, राहुल तुरंत यहाँ आओ, दिस मिनट इसी मिनट में, इसी वक्त यहाँ आओ। तो आप बोलेंगे कमिंग मॉम या फिर कमिंग डैड, जैसे आपके पेरेंट्स का भी आपको बुलाते हैं, राहुल कम ओवर हियर दिस मिनट, तुरंत यहाँ आओ, तो आप बोलेंगे कमिंग, यानी आया माँ या फिर आया पापा। नेक्स्ट है, इज शी कमिंग टू नाइट? इज शी कमिंग टू नाइट, क्या वो आज रात को आ रही है? क्या वो आज रात को आ रही है? आई हैव नो आइडिया, मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो आ रही है कि नहीं। कुड आई आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन?
Could I ask you one personal question? क्या मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं तुमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Of course, go ahead. यानी हाँ बिल्कुल पूछो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो. नेक्स्ट है, Is something wrong with you? क्या तुम्हें कुछ हुआ है या फिर क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत चल रहा है? तो आप बोल सकते हैं No, nothing is wrong, everything is just fine, thank you. इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं No, nothing is wrong, everything is just fine, thank you. No, nothing is wrong. नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब बिल्कुल ठीक है. Everything is just fine. Thank you. धन्यवाद. Next है, What's your new school like? यानी तुम्हारा नया स्कूल कैसा है? Oh, it is great. बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा है. मेरा स्कूल बहुत अच्छा है. What is the date today? या फिर what is today's date? आज तारीख क्या है? जब आप डेट पूछते हैं तो आप बोलते हैं what's the date today? It's the 15th of April. आज 15 अप्रैल है. You are responsible for the failure of this plan. इस योजना की असफलता के लिए, इसके फेलियर के लिए तुम जिम्मेदार हो. Who? Me? Not at all. जिसका मतलब है कौन? मैं? बिल्कुल नहीं. Not at all अभी हमने देखा था, बिल्कुल नहीं. Next question है, Can you wait a few minutes? यानी क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो? Yes, I am not in a hurry. यानी हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है. या फिर I am in no hurry. Would you like coffee or tea? ये question अभी हमने देखा था. Would you like coffee or tea? आप चाय लेंगे या कॉफी? तो आप इसका ऐसा भी जवाब दे सकते हैं Either would be fine. यानी कुछ भी चलेगा, चाहे वो कॉफी हो चाहे चाय हो, सब चलेगा. I will return your book on Monday. मैं तुम्हारी किताब सोमवार को, मंडे को वापस करूंगा. That's all right. यानी ठीक है. या फिर There is no hurry. कोई जल्दी नहीं है. That's okay. There is no hurry. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है. How long did you stay in Mumbai? तुम मुंबई में कितने दिन रहे? I stayed there for a week. मैं वहाँ एक हफ्ता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Did you bring my book with you? क्या तुम मेरी किताब साथ लाए हो? या फिर क्या तुम अपने साथ मेरी किताब लाए हो? Oh no, I forgot, I will definitely bring it tomorrow. यानी अरे मैं भूल गया, कल जरूर ले आऊँगा. नेक्स्ट है, She is married, do you know? वह शादीशुदा है, क्या तुम जानते हो? Oh really, I didn't know that. क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है, What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसका रिप्लाई आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप कर रहे हो. जैसे Me, nothing, just killing time. मैं कुछ नहीं, वैसे ही बस टाइम बिता रहा था या फिर टाइम काट रहा था. जस्ट किलिंग टाइम यानी टाइम वेस्ट करना, ऐसे ही जो कुछ भी नहीं करना, टाइम बिताना, उसे हम जस्ट किलिंग टाइम कहते हैं. Can you speak English? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? Sure, I can. बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ. नेक्स्ट है, Would you like another piece of cake? क्या तुम्हें केक का एक और टुकड़ा या फिर एक और पीस चाहिए? तो आप बोलेंगे No, I am done. नहीं, मेरा हो गया, बहुत हो गया, मैं और नहीं खाऊंगा. I have passed the examination. मैंने परीक्षा पास कर ली. Have you? Congratulations. पास हो गए, सच में बधाई हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Have you any idea about it? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा है, कोई आइडिया है तुमको इसके बारे में? तो आप बोलेंगे Not at all. जिसका मतलब है कुछ अंदाजा नहीं है मुझे, बिल्कुल आइडिया नहीं. या फिर None whatsoever. ऐसा भी आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, What's wrong with you? तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? I have got a fever. मुझे बुखार आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Have you finished your writing work? क्या तुम्हारा लिखने का काम हो गया या फिर तुम्हारा जो काम था लिखने का वो हो गया? Not yet, but it will finish soon. अभी तो नहीं लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा. Who has taken my glasses? मेरा चश्मा किसने लिया है? Not me. मैंने नहीं लिया. Not me. नेक्स्ट है, Have you ever been to Mumbai? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? No, never. But I would love to.
नो नेवर बट आई वुड लव टू, नहीं मैं कभी नहीं गया लेकिन मुझे जाना अच्छा लगेगा, मुझे जाना बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ओके इफ आई कम टुमारो, इज इट ओके इफ आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँ तो चलेगा या फिर क्या मैं कल आऊँगा तो चलेगा? तो आप बोल सकते हैं श्योर वेन एवर, श्योर वेन एवर, बिल्कुल कभी भी आप आ सकते हैं। नेक्स्ट है, वॉट डिड यू से, वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नथिंग आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, नथिंग आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था। वुड यू लाइक सम मोर पिज्ज़ा, वुड यू लाइक सम मोर पिज्ज़ा, क्या आप थोड़ा और पिज्ज़ा लेना पसंद करेंगे? यस प्लीज जस्ट अ स्मॉल पीस, यस प्लीज जस्ट अ स्मॉल पीस, हाँ सिर्फ एक छोटा सा पीस या फिर एक छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू गॉट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू गॉट, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो इसके अब जितने भी आप सिंपली नंबर बोल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। वाई, क्यों, क्यों जा रहे हो घर, वाई, वाई का मतलब आप तो जानते ही हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन, कुड यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन पर छोड़ सकते हैं? यहाँ पर स्टेशन की जगह कोई भी जगह हो सकती है। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं हाँ बिल्कुल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं श्योर, या फिर आप बोल सकते हैं यस सर्टेनली, या फिर आपको बहुत अच्छे से किसी को बोलना हो तो आप बोलेंगे ओ विथ प्लेजर, मैं आपको बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट है, शैल आई ऐड सम सॉल्ट, शैल आई ऐड सम सॉल्ट, क्या थोड़ा सा नमक बढ़ाऊँ, क्या मैं उसमें थोड़ा सा नमक बढ़ाऊँ? जस्ट अ लिटिल, जस्ट अ लिटिल, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा, एक पिंच इतना। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, यह इमारत कितनी पुरानी है? इट्स 50 years old, इट इज 50 years old, ये बिल्डिंग 50 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू वरिड अबाउट द रिजल्ट, आर यू वरिड अबाउट द रिजल्ट, क्या तुम्हें रिजल्ट की टेंशन है या फिर क्या तुम परिणाम के बारे में चिंतित हो? तो आप बोल सकते हैं नॉट इन द स्लाइटेस्ट, नॉट इन द स्लाइटेस्ट, जिसका मतलब है थोड़ा भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू लीव द जॉब, व्हाई डिड यू लीव द जॉब, आपने नौकरी क्यों छोड़ी या तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? ओ लेट इट रेस्ट, ओ लेट इट रेस्ट, अरे यार छोड़ो छोड़ो उसको, जाने दो, ओ लेट इट रेस्ट। नेक्स्ट है, इज एवरीथिंग ओके विथ यू, इज एवरीथिंग ओके विथ यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? तो आप बोलेंगे यस फाइन, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस फाइन। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आप जहाँ भी जा रहे हो बोल सकते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आप सिंपली मार्केट बोलेंगे, बाजार या फिर स्टेशन या वट एवर। नेक्स्ट है, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। यस यू आर राइट आई शुड, यस यू आर राइट आई शुड, हाँ तुम सही हो, मुझे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज योर जर्नी, जैसे आप कभी आपका कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त बाहर से आता है तो आप उसे बोलेंगे आपकी यात्रा कैसी थी, हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी थी? फाइन, अच्छी, बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी, फाइन। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर फर्दर एजुकेशन, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर फर्दर एजुकेशन, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। रियली वैन, सच में कब, कब जा रहे हो, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर देयर लॉट्स ऑफ पीपल देयर, वर देयर लॉट्स ऑफ पीपल देयर, या फिर आप बोल सकते हैं वर देयर लॉट्स ऑफ पीपल, जिसका मतलब है क्या वहाँ बहुत सारे लोग थे? तो बोलेंगे यस अ लॉट, यस अ लॉट, हाँ बहुत सारे लोग थे, अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू गॉट एनी चेंज, हैव यू गॉट एनी चेंज, क्या तुम्हारे पास छुट्टा है? तो इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं सॉरी आई ओनली हैव अ 10 रुपी नोट, सॉरी आई हैव ओनली गॉट अ 10 रुपी नोट, जिसका मतलब है माफ़ करना मेरे पास सिर्फ एक 10 का नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, जिसका मतलब है इसकी क्या कीमत है या फिर इसकी कीमत क्या है? इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट प्राइस इज इट, हाउ मच इज इट या व्हाट प्राइस इज इट, जिसका सिंपली आप जवाब दे सकते हैं ओनली 100 रुपीज या ओनली 200 रुपीज, जो भी उसका प्राइस हो, केवल 100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी शुड आई ब्रिंग विथ मी, हाउ मच मनी शुड आई ब्रिंग विथ मी, मुझे अपने साथ कितने पैसे लेने चाहिए? द मोर द बेटर, द मोर द बेटर, जितने ज़्यादा उतने बेहतर, द मोर द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज दिस पेन,
हाउ मच इज दिस पेन, जिसका मतलब है इस पेन की कीमत क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट डज दिस पेन कॉस्ट, जिसका रिप्लाई आप कर सकते हैं इट कॉस्ट 10 रुपीज, इट कॉस्ट रुपीज 10, इसकी कीमत 10 रुपए है। नेक्स्ट है हाउ मच डू यू वे, हाउ मच डू यू वे, जिसका मतलब है आपका वजन कितना है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं आई वे 90 kg, आई वे 90 kg, जो काफ़ी ज़्यादा वजन है, मेरा वजन 90 किलो है। नेक्स्ट है शैल वी वॉक टू द बस स्टैंड, शैल वी वॉक टू द बस स्टैंड, क्या हम बस स्टैंड तक पैदल चलें, हाउ फार इज इट, आप इसको रिटर्न में पूछ सकते हैं वो कितनी दूर है, हाउ फार इज इट। नेक्स्ट है हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हेयर, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, इट्स 850 किलोमीटर अवे, इट इज 850 किलोमीटर अवे, यहाँ से 850 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है स्टॉप लाफिंग, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, जिसका मतलब है नहीं रोक पा रहा हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं उसे नहीं रोक पा रहा हूँ, आई कांट हेल्प इट। नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, या फिर तुम्हें अब कैसा लग रहा है, फीलिंग बेटर, फीलिंग बेटर, पहले से अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, या क्या तुम जा रहे हो। नेक्स्ट है व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, इट्स सैटरडे टुडे, इट्स सैटरडे टुडे, आज शनिवार है, या फिर आज संडे है, आज मंडे है, जो भी आप बोलना चाहें। नेक्स्ट है डिड यू लाइक दिस बुक, डिड यू लाइक दिस बुक, क्या तुम्हें यह किताब पसंद आई, क्या तुम्हें यह किताब पसंद आई, और मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, ऑफ कोर्स, बेशक। लास्ट है आज का बाय, BYE बाय, अगर आपको कोई बाय बोलता है तो आप उसे बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कल मिलते हैं, ध्यान रखना अपना, बाय। सो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।